इस कहानी की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट पोकेमोन लेब को दिखाया जाता है, जहां सबसे खतरनाक पोकेमोन म्यूटो पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। लेकिन तब यहां उस लेब में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे म्यूटो अपनी पावर से आजाद हो जाता है और एक कार का पीछा करने लगता है जो तेजी से लेब से बाहर जा रही थी। म्यूटो उस कार पर अटैक करता है, जिससे उस कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर टिम गुडमैन को दिखाया जाता है, जिसे उसका दोस्त जेक एक ग्राउंड में लेकर जाता है, क्योंकि टिम के पास कोई भी पोकेमोन पार्टनर नहीं था। इसीलिए टीम को क्यूबोन पकड़कर उसे पार्टनर बनाने को कहता है। तो टीम उसे कहता है कि मुझे कोई भी पोकेमोन पार्टनर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जेक उसकी नहीं सुनता और उसे पोकेबॉल देकर क्यूबोन पकड़ने के लिए भेज देता है। टीम क्यूबोन को पोकेबॉल में पकड़ लेता है, लेकिन क्यूबोन टीम को पसंद नहीं करता, इसीलिए पोकेबॉल फट जाती है और क्यूबोन टीम पर अटैक करने लगता है, जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टीम को राइम पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डेड का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही टीम राइम सिटी के लिए निकल जाता है। टीम उदास होता है, लेकिन उसे अपने डेड की मौत का ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि अपने फादर से ज्यादा अटैच नहीं था और उसकी माँ की भी काफी सालों पहले डेथ हो चुकी थी। टीम राइम सिटी पहुँच जाता है, जहाँ पोकेमोन और इंसान साथ मिलजुल कर रहते हैं और साथ में काम करते हैं। इस सिटी को क्लिफर्ड कंपनी के फाउंडर हॉवर्ड क्लिफर्ड ने बनाया था, क्योंकि वो एक ऐसी सिटी बनाना चाहते थे जहाँ इंसान और पोकेमोन एक साथ मिलजुल कर रह सके। टीम राइम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ उसके डेड के फ्रेंड योशिडा से मिलता है, क्योंकि टीम के डेड भी एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर थे। योशिडा का पोकेमोन पार्टनर सुनुबुल होता है, इसीलिए वो टीम को कहते हैं कि तुम्हारा कोई पोकेमोन पार्टनर क्यों नहीं है। तो टीम उन्हें कहता है कि मैं बचपन में पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता था, लेकिन मुझे अब अकेला रहना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अब इंश्योरेंस करने का काम करता हूँ। तो योशिडा उसे कहते हैं कि तुम्हारे डेड बहुत ही अच्छे इंसान थे और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम खुद को अकेला मत समझना। लेकिन टीम उनकी बात नहीं सुनता और उनसे अपने डेड के फ्लैट की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि टीम यहाँ अपने डेड के सामान लेने आया था। टीम उस बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ उसके डेड रहा करते थे। वो अपने डेड हैरी गुडमैन के मेल बॉस को खोलता है, लेकिन तभी वहाँ लूसी नाम की एक यंग रिपोर्टर आ जाती है, जो CNN के लिए काम करती थी, जिसका पोकेमोन साइडक होता है। वो टीम से कहती है कि मैं इंतजार कर रही थी कि इस मेल बॉस को कौन खोलेगा, और फिर वो टीम से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हैरी गुडमैन के बारे में सब कुछ बता दो। लेकिन टीम को उसकी बातें समझ नहीं आती, तो लूसी उसे कहती है कि हैरी के हाथ में किसी बड़े षड्यंत्र का सुराग लगा था और इसी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन टीम कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने डेड से कई सालों से नहीं मिला। तो लूसी वहाँ से चली जाती है। टीम जब अपने डेड के फ्लैट में जाता है तो अपने डेड की चीजें देखता है, जहाँ उसे अपने डेड का लिखा हुआ एक लेटर भी मिलता है जो उन्होंने उसके लिए लिखा था। टीम को वहाँ एक बैंगनी रंग की गैस ट्यूब मिलती है, जिसे वो गलती से खोल देता है, जिससे वहाँ हर तरफ गैस फैलने लग जाती है। टीम विंडो खोलकर उस गैस को बाहर निकाल देता है और फिर अपने डेड के रूम में चला जाता है। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पिकाचू होता है, जो टीम के डेड हैरी का पोकेमोन था। टीम उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तब वो नोटिस करता है कि वो पिकाचू की बातों को समझ पा रहा है। ये देखकर पिकाचू बहुत खुश होता है, लेकिन टीम बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि पिकाचू जब कुछ भी बोलते थे तो इंसानों को सिर्फ पिका पिका ही सुनाई देता था। तब यहाँ कुछ बंदर आकर उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो सब उस गैस के असर की वजह से अपने खतरनाक रूप में आ गए थे। ये देखकर पिकाचू और टीम उनसे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन वो बंदर उनका पीछा करते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी उस गैस का असर खत्म हो जाता है और वो बंदर नॉर्मल हो जाते हैं। टीम डरा हुआ बाजार में आता है तो वहाँ सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं, क्योंकि वो सभी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि पिकाचू बात कर सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पिकाचू टीम को बताता है कि मैं हैरी का पोकेमोन हूँ और फिर उसे एक कैफे में लेकर जाता है, क्योंकि पिकाचू को कॉफी बहुत पसंद थी और वहाँ भी टीम पिकाचू से बात करने की वजह से सभी उसे पागल समझते हैं। पिकाचू टीम को बताता है कि मुझे हैरी को ढूंढना है, लेकिन टीम उसे कहता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर पिकाचू बहुत हैरान हो जाता है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हैरी मर चुका है। इसीलिए वो टीम से कहता है कि अगर हैरी मर चुका है तो मैं भी मर गया होता, क्योंकि पोकेमोन अपने पार्टनर के मरने के बाद जिंदा नहीं रह सकते, और दूसरी बात कि अभी तक पुलिस को हैरी की लाश भी नहीं मिली है। लेकिन टीम उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है तो पिकाचू से रोककर कहता है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि तुम मेरे बिना अपने डेट को नहीं ढूंढ सकते। तो टीम उसे कहता है कि मैं यहाँ अपने डेट को ढूंढने नहीं आया था, बल्कि उन्हें गुड बाय कहने आया था। तो पिकाचू से समझाता है कि तुम इंसानों से बात कर सकते हो और मैं पोकेमोन से, और हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इसीलिए कायना चाहती है कि हम
साथ रहे, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि हैरी जिंदा है। उसकी बातें सुनकर टीम मान जाता है। फिर वो दोनों वापस हैरी के फ्लैट में आ जाते हैं, जहाँ पिकाचू अंदर जाते ही सबूत ढूंढने लग जाता है। वो एक औरत की तस्वीर टीम को दिखाकर कहता है कि इसकी फोटो पूरे फ्लैट में है, इसीलिए कुछ न कुछ जरूर जानती होगी। तो टीम उसे बताता है कि ये मेरी माँ है और मैं जब 11 साल का था तब वो गुजर गई थी और तब से ही मैं अपने डैड से अलग होकर नानी के साथ रहने लगा। इन बातों से वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। टीम सोने चला जाता है और अगली सुबह जब टीम तैयार होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि पिकाचू ने एविडेंस ढूंढने के चक्कर में पूरे फ्लैट को बिखेर दिया था। पिकाचू को आर गैस की ट्यूब मिलती है और वो टीम को बताता है कि इसी गैस की वजह से बंदरों ने हम पर हमला किया था, क्योंकि उन बंदरों में से इसी गैस की स्मेल आ रही थी। फिर टीम को याद आता है कि कल वो CNN की रिपोर्टर लूसी से मिला था जो उसके डेड हैरी पर रिसर्च कर रही थी, इसीलिए वो दोनों से मिलने जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड क्लिफर्ड और उसका बेटा रोजन सभी को लाइव आकर बताते हैं कि हम राइम सिटी में सबसे बड़ी परेड का आयोजन करने वाले हैं। लेकिन फिर शो खत्म होने के बाद रोजन अपने डेड पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो पोकेमोन को पसंद नहीं करता। वही टीम और पिकाचू भी उस ऑफिस में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें लूसी नजर आ जाती है। टीम उसे गैस ट्यूब के बारे में बताता है तो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ उसे बताती है कि हैरी का खुफिया खबरी डॉग्स पर रहता है और शायद उसे ही इन ट्यूब्स के बारे में कुछ पता होगा। फिर टीम और पिकाचू डॉग्स पर जाते हैं जहाँ उन्हें मिस्टर माइम नाम का एक पोकेमोन दिखाई देता है जो उन्हें देखकर डर जाता है, यानी कि वो पिकाचू को पहचानता था। तो वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन से बातें कर रहा होता है, इसीलिए पिकाचू को उसकी बातें समझ नहीं आती। तो टीम को एक आइडिया आता है और वो मिस्टर माइम को उसी की तरह इमेजिनेशन से उस आर ट्यूब के बारे में पूछता है। तो इशारे में उन्हें बताता है कि राउंड हाउस में जाओ जहाँ तुम्हें आर गैस के बारे में पता चलेगा। फिर जब वो दोनों राउंड हाउस पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि राइम सिटी में पोकेमोन फाइट बैन होने के बाद भी यहाँ लोग पैसों के लिए पोकेमोन की फाइट करवा रहे हैं। तभी उनके पास सेबास्टियन नाम का एक आदमी आता है जो उन्हें कहता है कि इस पिकाचू का पुराना पार्टनर कहाँ है, क्योंकि इस पिकाचू ने मेरे पोकेमोन को पहले फाइट में बहुत मारा था। तो टीम उसे कहता है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि इसका पुराना पार्टनर यहाँ क्यों आया था। लेकिन सेबास्टियन उसे कहता है कि क्यों ना तुम्हारे पोकेमोन और मेरे पोकेमोन के बीच एक मैच हो जाए, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। टीम इसके लिए मान जाता है। पिकाचू और चर्जाट को रिंग में लाया जाता है, लेकिन सेबास्टियन अपने पोकेमोन चर्जाट को आर गैस सूंघा देता है जिससे चर्जाट और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। टीम पिकाचू को उस पर थंडर अटैक करने को कहता है, लेकिन पिकाचू अपनी सारी पावर भूल चुका था, इसीलिए चर्जाट उसके ऊपर अटैक करता है और उसे आग से मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ टीम आ जाता है और वो दोनों चर्जाट से लड़ने लग जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर सेबास्टियन भी अंदर आ जाता है। लेकिन तभी उसे टकरा जाते हैं जिससे सेबास्टियन के जैकेट में रखी आर गैस की सारी ट्यूब क्रेक हो जाती है और हर तरफ आर गैस फैलने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद सारे पोकेमोन अग्रेसिव होकर अटैक करने लगते हैं और वहाँ क्यूस मच जाता है। तभी टीम सेबास्टियन से आर गैस के बारे में पूछता है तो बताता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आर गैस एक डॉक्टर बनाता है। तभी वहाँ चर्जा टीम और पिकाचू पर अटैक करता है जिससे वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है। टीम को योशिडा के पास लेकर जाया जाता है। टीम योशिडा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हैरी जिंदा है, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते और वो टीम को उसके फादर की एक्सीडेंट वाली फुटेज दिखाते हैं, जिसे देखकर टीम को भी ऐसा ही लगता है कि उसके डैड मर गए हैं, जिससे अब टीम काफी उदास हो जाता है और अब उसे एहसास होता है कि उसने अपने फादर के साथ बहुत गलत किया और उसे अपने फादर के साथ वक्त गुजारना चाहिए था। फिर पिकाचू से समझाकर नॉर्मल करता है, लेकिन तभी वहाँ हार्वर्ड की एजेंट आती है और वो टीम को हार्वर्ड के पास ले जाती है, जहाँ हार्वर्ड टीम को बताता है कि ये आर केमिकल मेरे बेटे ने बनाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पोकेमोन और इंसान दोस्त बने और वो एक साथ रहे, इसीलिए तुम्हारे डैड मेरे इसी केस पर काम कर रहे थे। तो टीम उनसे पूछता है कि आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं। तो हार्वर्ड बताता है कि जब मैं पैरालाइज हो गया तो मेरे बेटे रोजर ने इस बात का फायदा उठाकर कंपनी को अपने हाथ में ले लिया, मगर तुम्हारे पापा अभी भी जिंदा है। फिर वो टीम को एडवांस होलोग्राफी में से उसे उस दिन की फुटेज दिखाते हैं जिस दिन उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो देखते हैं कि टीम के फादर जिंदा थे और पिकाचू भी उनके साथ ही था। और तभी वहाँ म्यूटू आता है और हार्वर्ड उसे बताता है कि म्यूटू पोकेमोन में सबसे पावरफुल पोकेमोन है और इसे प्राचीन म्यूटू के DNA से लेबोरेटरी में बनाया गया है। फिर वो देखते हैं कि म्यूटू पिकाचू की सारी याददाश्त मिटा देता है और हैरी को अपने पास कैद कर लेता है। टीम हार्वर्ड से पूछता है कि म्यूटू मेरे फादर को कहाँ लेकर गया होगा। तो हार्वर्ड उसे कहता है कि यही तो तुम्हें पता करना है, इसीलिए तुम म्यूटू को ढूंढ लो और तुम्हारे पापा तुम्हें मिल जाएंगे। तो टीम लूसी से मिलने के लिए एक कैफे में जाता
जाता है, जहाँ लूसी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर रोजर कंप्यूटर के सारे डेटा को चेक किया, जिससे मुझे पोकेमोन रिसर्च लैब के बारे में पता चला। और पिछले हफ्ते उसी लैब में एक हादसा हुआ था, जिससे पूरी की पूरी लैब भी तबाह हो गई, और उसी रात हैरी गुडमैन भी लापता हो गए। इसी बात का पता लगाने के लिए वो उस लैब में जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो लैब के अंदर जाते हैं, जहाँ बहुत सारे पोकेमोन का कैद किया हुआ था, जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोजर लैब में लगे हुए कैमरों की मदद से लूसी और टीम को देख रहा होता है। वही लैब में लूसी उन एक्सपेरिमेंट की फोटो लेने लग जाती है और टीम पिकाचू के साथ आगे बढ़ता है तो उन्हें वहाँ एक तबाह हुआ रूम दिखाई देता है और वहाँ लगे कंप्यूटर की मदद से होलोग्राम इमेज देखते हैं, जहाँ डॉक्टर लोरेन ने प्राचीन म्यूटू के डीएनए से म्यूटू को बना लिया था, जिसमें टीम के पिता हैरी ने भी मदद की थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि लोरेन ने ही वो आर्सिनम बनाई थी, जिससे पोकेमोन रौद्र रूप में आ जाते थे। साथ ही उसने म्यूटू के दिमाग पर काबू करने के लिए एक डिवाइस भी बनाया था, लेकिन तभी लैब में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से म्यूटू आजाद हो गया और उसने डॉक्टर लोरेन को मार दिया। इससे पिकाचू को लगता है कि इन्हें लोरेन का साथ दिया था, इसीलिए म्यूटू ने हैरी को किडनैप किया, क्योंकि वो हैरी से बदला लेना चाहता था। फिर जब वो बाहर लूसी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि लूसी को उन एक्सपेरिमेंट किए गए ग्रीन निंजा पोकेमोन ने पकड़ लिया है, क्योंकि रोजर ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया था। टीम लूसी को आजाद करवाता है और वो बहुत मुश्किल से उस लैब से भागते हैं, लेकिन अभी भी ग्रीन निंजा उनके पीछे होते हैं। इससे टीम को एक आइडिया आता है और वो लूसी के पोकेमोन साइडक को गुस्सा दिलाता है, जिससे वो फट जाता है और वो साइडक के फटने की वजह से बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं, जिससे वो उन पोकेमोन से अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जमीन उथल पुथल हो रही है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। उनके नीचे की जमीन ऊपर आ चुकी होती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर उन्हें जमीन के अंदर एक आंख दिखाई देती है, जिससे उन्हें समझ आता है कि जंगल नहीं बल्कि टोटेरा गार्डन पोकेमोन है, जो कि एक्सीमेंट की वजह से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। लेकिन तभी जमीन टूटने की वजह से वो सभी पानी में गिर जाते हैं और अब टोटेरा पोकेमोन भी शांत होकर छोटे हो गए थे। वहीं जब टीम और बाकी सब पानी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पिकाचू को चोट लग गई है और अब पिकाचू की हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर टीम रोने लग जाता है, क्योंकि अब वो पिकाचू का काफी अच्छा दोस्त बन गया था, इसीलिए वो पिकाचू को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वहाँ मौजूद बल्बासोर पोकेमोन से मदद मांगने लगता है। वो उसे कहता है कि पिकाचू की जान खतरे में है, इसीलिए इसे प्राण रक्षक पोकेमोन के पास ले चलो। लूसी उसे समझाती है कि वो तुम्हारी बात नहीं समझ सकता, तो टीम उसे कहता है कि वो महसूस तो कर सकता है। तभी बल्बासोर अपने बाकी दोस्तों को बुलाकर लाता है, जो पिकाचू को लेकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और वो टीम को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो लूसी को वहाँ आने से मना कर देते हैं। फिर वो सभी पोकेमोन टीम को पहाड़ों के बीच में बनी एक जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ टीम पिकाचू को उनकी बताई हुई जगह पर रख देता है। और तभी वहाँ म्यूटू आता है, जो पिकाचू को सही कर देता है, लेकिन फिर टीम उससे पूछता है कि तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया। तो म्यूटू उन्हें अपनी पावर की मदद से बताता है कि जब वो लैब में कैद था तो पिकाचू ने उसके आजाद होने में मदद की थी, और फिर जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ तब म्यूटू ने पिकाचू को कहा कि इंसान बहुत क्रूर है और मुझे हमेशा पोकेमोन पर विश्वास था। और वो आगे बताने वाला होता है कि तभी वहाँ इस कहानी का विलन रोजर आ जाता है, जो म्यूटू को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पिकाचू टीम से दूर होकर जाने लगता है तो टीम उसे रोकने की कोशिश करता है, तो पिकाचू से कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे डेट को धोखा दिया। लेकिन टीम इस बात को नहीं मानता और वो पिकाचू को दूर जाने से रोकने लगता है, लेकिन तभी गलती से पिकाचू से शॉक दे देता है, जिससे पिकाचू और ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ और वहाँ से चला जाता है। और अब टीम भी उसकी बात से गुस्सा हो जाता है और वो पिकाचू के बिना ही शहर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पोकेमोन परेड की तैयारियां चल रही है। और टीम लूसी को कहता है कि तुम्हें सभी को रोजन की साजिश के बारे में बताना होगा, और वो खुद हावर्ड से बात करने जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पिकाचू को दिखाया जाता है, जो काफी दुखी होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसी जगह पर आ गया है जहाँ हैरी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी उसे वहाँ ग्रे निंजा स्टार मिलता है और उसे समझ आता है कि रोजर ने कार का एक्सीडेंट करवाने के लिए ग्रे निंजा को भेजा था और म्यूटू ने बचाने के लिए उनके पीछे आ रहा था। ये सच जानने के बाद वो टीम के पास जाने के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ टीम जब हावर्ड के पास पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि हावर्ड इस कहानी का असली विलन है और उसने म्यूटू को कैद किया था। फिर वो अपने गैजेट की मदद से म्यूटू के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जिससे अब हावर्ड म्यूटू बन जाता है। फिर वो टीम को कहता है कि तुम्हारी और पिकाचू की वजह से ही मैं म्यूटू को ढूंढने में काम
कामयाब रहा। साथ ही वो ये भी बताता है कि हैरी का एक्सीडेंट भी मैंने करवाया था, क्योंकि हैरी को सारी सच्चाई पता चल गई थी और उसने और पिकाचू ने म्यूटू की भागने में मदद की, इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। हावर्ड टीम को बताता है कि मैं ये सब इंसानों की भलाई के लिए कर रहा हूँ और इंसानों की आत्मा को पोकेमोन से जोड़ने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ म्यूटू में है, लेकिन वो भी जब तक कि पोकेमोन आरगेस के असर में ना हो, जिससे टीम को समझ आ जाता है कि सिटी में लगे सभी गुब्बारों में आरगेस है। फिर वो टीम को वहीं फेंक कर नीचे परेड में चला जाता है और सिटी में हर जगह आरगेस फैलाने लगता है, जिससे सब पोकेमोन अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं और हावर्ड म्यूटू की पावर से सभी इंसानों की आत्मा को उनके पार्टनर पोकेमोन के शरीर में डालने लग जाता है। और तभी सिटी में पिकाचू भी पहुंच जाता है और वहाँ साइडर की बॉडी में लूसी उसे बताती है कि हावर्ड ही म्यूटू है। ये सुनकर पिकाचू हावर्ड को रोकने जाता है, जिससे म्यूटू और पिकाचू में फाइट होने लगती है। वहीं जब टीम की आँख खुलती है तो पिकाचू को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ उसे कुछ आवाजें आती है और जब वो गेट खोलता है तो वहाँ से रोजर निकलता है जो बंधा हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि रोजर अच्छा इंसान होता है और वो इन सब में शामिल नहीं था। तभी वहाँ नकली रोजर आ जाता है जो कि असल में हावर्ड का डिटो पोकेमोन होता है। वो टीम पर अटैक करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ रोजर आकर टीम को बचा लेता है और टीम हावर्ड के सर पर लगा वो डिवाइस हटा देता है, जिससे म्यूटू वापस अपने असली रूप में आ जाता है और हावर्ड वापस अपनी बॉडी में चला जाता है। मगर तभी पिकाचू नीचे गिरने लगता है, लेकिन म्यूटू उसे बचा लेता है और म्यूटू सिटी को वापस से पहले जैसा कर देता है और सभी इंसान वापस से पोकेमोन की बॉडी से निकल जाते हैं। हावर्ड को पुलिस पकड़ लेती है और अब सब बहुत खुश होते हैं। लूसी ये काम से खुश होकर रोजर उसका प्रमोशन कर देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो टीम को आज रात डिनर पर चलने को कहती है, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। टीम बहुत खुश होता है। तभी म्यूटू टीम के पास आता है और वो टीम को बताता है कि तुम जिस पिता को ढूंढ रहे थे वो हमेशा तुम्हारे साथ ही थे, यानी कि पिकाचू की बॉडी में हैरी था। फिर उन्हें वो अधूरी बात बताता है कि उसने जब उसके पिता के अंदर अच्छाई देखी थी तो उसने उन्हें बचाने के लिए उसके शरीर को अपने पास रख लिया था, लेकिन उसकी आत्मा को पिकाचू के अंदर डाल दिया था ताकि वो जिंदा रहे। फिर म्यूटू हैरी को वापस इंसान बना देता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि टीम वापस से अपनी नानी के घर जा रहा होता है और उसके डेड हैरी उसे अलविदा कहने आते हैं, लेकिन अब टीम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद ही अपने डेड के पास रहने का डिसाइड करता है, जिससे अब उसके डेड बहुत खुश होते हैं क्योंकि टीम भी अब डिटेक्टिव बनना चाहता था। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।